हेलो स्टूडेंट्स, आज की आपकी वर्कशीट हम देख रहे हैं। इंग्लिश की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 34। ये 22 सितंबर की वर्कशीट है। तो आज की जो आपकी वर्कशीट है वो है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के ऊपर। तो एक द लिटिल गर्ल नाम का एक स्टोरी है और उस पर ही बेस्ड आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको दिया गया है। इसको अच्छे से आपको समझना है और इसके बेस पे आपको क्वेश्चन फिर अटेम्प्ट करने हैं। साथ ही साथ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और जो भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं ताकि सभी की इससे हेल्प हो जाए। तो इस आज की क्या वर्कशीट है ये जल्दी से हम देख लेते हैं। तो एक स्टोरी दी गई है आपको शॉर्ट में, वो जल्दी से मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद जो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस है हम वो करेंगे। द लिटिल गर्ल इज अ स्टोरी अबाउट कैजिया हु इज अफ्रेड ऑफ अ स्ट्रिक्ट फादर, सो शी स्टैमर्ड व्हाइल टॉकिंग टू हिम। तो ये जो लिटिल गर्ल स्टोरी है ये कैजिया नाम की एक लड़की है उसके बारे में स्टोरी है जो अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती थी क्योंकि उसके फादर जो थे बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। तो इसलिए वो जो है स्टैमर करती थी, मतलब हकलाती थी जब भी वो अपने फादर से बात करती थी क्योंकि डर के मारे वो हकलाने लग जाती थी। शी थॉट हिम टू बी जायंट साइज्ड। उसको ऐसा लगता था कि उसके फादर जो है बहुत ही जायंट साइज्ड है, मतलब दिखने में बहुत ही बड़े से दिखते थे वो। On Sundays, Grandma sent her to spend time with parents, but she found her father lying down on the sofa to relax, mother busy reading. तो संडेज को जो है उसकी जो दादी थी, ग्रैंडमा जो थी उसकी कैजिया की, वो अपने फादर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ उसे टाइम स्पेंड करने के लिए उन्होंने उसे एनकरेज किया और कहा कि जाओ अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। तो उसने देखा कि उसके फादर जो है वो सोफे पे रिलैक्स कर रहे थे और मदर जो थी उसकी वो रीड कर रही थी, वो कुछ पढ़ रही थी। वन डे व्हेन शी वाज एट होम बिकॉज ऑफ कोल्ड, ग्रैंडमा सजेस्टेड हर टू प्रिपेयर अ गिफ्ट फॉर फादर्स बर्थडे। तो एक बार जब कैजिया जो है उसको कोल्ड हो गया था और वो घर पर थी तो उसकी जो दादी थी, ग्रैंडमा थी, उन्होंने उसे सजेशन दिया कि क्यों नहीं अपनी फादर के बर्थडे के लिए तुम्हें गिफ्ट तैयार करती। शी प्रिपेयर्ड अ पिन कुशन विद ब्यूटिफुल येलो सिल्क क्लॉथ, नीडेड स्क्रैप टू फिल इट। तो फादर के बर्थडे गिफ्ट के लिए वो क्या करती है, वो एक पिन कुशन जो है वो तैयार करती है। एक तरह से जो हम घर में कुशन होते हैं, सोफाज पे भी जो हम कुशन रखते हैं, तो उस तरह का वो एक कुशन जो है तैयार करती है जो ब्यूटीफुल येलो सिल्क क्लॉथ का होता है। और उसके लिए अब वो पूरा तैयार तो कर लेती है और कुशन कवर, अब उसको अंदर भरने के लिए उसे स्क्रैप चाहिए होता है, मतलब कि ऐसी वेस्ट पेपर उसे चाहिए होता है। took some papers from parents' room and tore them up to stuff them in pin cushion. तो वो जो है अपने parents के जो कमरा है उसमें जाती है और वहां पर कुछ ऐसी papers उठाकर ले आती है और उनको अच्छे से फाड़ फूड़ के जो है वो उस pin cushion में अच्छे से stuffing उसकी कर देती है। आपने भी देखा होगा, आप जब वो खरीदते हैं, पर्स खरीदते हैं, उसके अंदर कुछ पेपर की रफ स्टफिंग होती है या कोई और कुछ स्टफ टॉयज खरीदते हैं वो भी उसके अंदर भी स्टफिंग होती है। तो उसी तरह से उसने पिन कुशन में भी जो है इन पेपर्स को टुकड़े टुकड़े करके उसको जो है पिन कुशन को अच्छे से भर देती है। इट वॉज फादर्स इंपॉर्टेंट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी। अब वो पेपर कौन से होते हैं, वो पेपर होते हैं उसके पापा की एक इंपॉर्टेंट स्पीच होती है जो उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी में वो स्पीच देनी थी, उनकी इंपॉर्टेंट स्पीच जो है उन पेपर्स पे लिखी होती है। When found missing, the whole house was searched. The servants and Kezia were questioned. तो जब पता चलता है कि वो जो स्पीच है वो गायब हो गई है, मिल नहीं रही है, तो सभी से पूछा जाता है कि वो कहाँ गई, नौकरों से भी पूछा जाता है, Kezia से भी पूछा जाता है। Finally, innocently, Kezia admitted that she had torn them for her surprise gift. फाइनली जो है कैजिया अपने सभी को बता देती है कि हाँ उसी ने जो है वो पेपर्स फाड़ दिए थे अपने सरप्राइज गिफ्ट बनाने के लिए। फादर बीट हर विद अ रूलर, शी क्राइड बिटरली। तो उसके पापा जो है उसे बहुत ज्यादा उसकी स्केल से पिटाई कर देते हैं और वो बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। कैजिया क्लंग टू ग्रैंडमा एज शी कंसोल्ड हर, और वो अपनी ग्रैंडमा अपनी दादी के पास एकदम ऐसे उन्हें गले लगाकर रोने लगती है और जो है ग्रैंडमा जो है उसको ध्यान रखती है। नेक्स्ट डोर नेबर Mr. McDonald played with his children in the evening. After watching him, Kezia decided that there were different sorts of father. तो वो जो उनके पड़ोसी जो होते हैं मिस्टर मैकडोनल्ड, वो उन्हें देखा करती थी कि वो अपने बच्चों के साथ रोज शाम को खेलते हैं और उन्हें देखने के बाद कैजिया को ये रियलाइज हुआ कि जो फादर्स हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, वो सभी फादर एक जैसे नहीं होते। वन डे मदर गॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, कैजिया वॉज अलोन एट होम। तो एक बार क्या हुआ कि जो उसकी मदर थी
वो बीमार पड़ गई, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा और केजिया जो है घर पर अकेली थी. द कुक एलिस टुक केयर ऑफ हर इन द डे बट एट नाइट शी वॉज अलोन. तो दिन में तो उसकी जो कुक थी, जो खाना बनाने वाली थी घर में, उसका नाम एलिस था, वो केजिया का ध्यान रखती थी, लेकिन रात को केजिया अकेली होती थी. फादर वॉज स्लीपिंग इन अनदर रूम, उसके पापा जो है वो दूसरे रूम में सो रहे थे. ओल्ड नाइटमेयर हॉन्टेड केजिया, तो उसका एक बहुत पुराना डरावना सपना जो है, नाइटमेयर होता है बहुत डरावना सपना, तो नाइटमेयर जो आने लगते हैं उसको, केजिया को परेशान करने लगते हैं. और उसका क्या नाइटमेयर होता था हमेशा, अ बुचर विद नाइफ इन हिज हैंड. तो उसको सपने में ये दिखाई देता था कि कोई जो है चाकू लेके उसकी तरफ बढ़ रहा है. शी वोक अप क्राइंग, तो जैसे ही उसको ये बुरा डरावना सपना आता है वो रो रो कर जो है उठ जाती है. फादर कम टू हर रूम, हग्ड हर, कैरीड हर टू हिज रूम टू कम्फर्ट हर. तो उसके पापा जो है उसके रूम में आते हैं, उसको हग करते हैं और उसे अपने कमरे में ले जाकर उसको अच्छे से उसका ध्यान रखते हैं. शी रियलाइज ही वॉज नॉट सो बैड, ही वॉज टू बिजी टू एक्सप्रेस हिज लव. और तब वो रियलाइज करती है कि उसके फादर जो है एक्चुअली में बुरे नहीं है, बस वो बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो इसलिए वो अपना जो केयर और प्यार है उसके लिए वो दिखा नहीं पाते. Hence she realized her father had a big heart. तो उसे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली में उसके फादर का बहुत बड़ा दिल है और वो उसकी केयर करते हैं. अब इसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस हैं, जल्दी से वो कर लेते हैं, इजी क्वेश्चंस हैं. ए पार्ट है आपका, केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वॉज, तो वो उसे उनसे क्यों डरती थी, ये पहली लाइन में आपको बताया गया है कि वो स्ट्रिक्ट थे इसलिए डरती थी. आप कोशिश कीजिए पहले खुद इस वर्कशीट को अटेम्प्ट करने का, फिर आप इस वीडियो से उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं. बी पार्ट है, हु ऑल वर देयर इन केजियाज फैमिली, उसकी फैमिली में कौन थे, मदर थी, फादर भी थे, ग्रैंड मदर भी थे. फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ देम, तो जी हाँ ये तीनों ही थे उसकी फैमिली में, तो ऑल ऑफ देम करेक्ट ऑप्शन है. सी है, टू प्लीज हर फादर केजिया डैश, तो अपने फादर को प्लीज करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए केजिया ने क्या किया, बुके खरीदा, नहीं, मेड अ पिन कुशन, हाँ उसने एक पिन कुशन जो है बनाया था. फिर सिस्टर पिलो, प्रिपेयर टी, ये सब उसने नहीं किया, बस ऑप्शन टू ही किया उसने. डी पार्ट है आपका, व्हेन केजिया टोर द इम्पोर्टेंट पेपर्स ऑफ अ फादर ही बिकेम डैश, तो जब उसने केजिया ने अपने पापा के इम्पोर्टेंट पेपर्स को फाड़ दिया तो उसके पापा कैसे रिएक्ट करा, वो बहुत ज्यादा एंग्री हो गए, गुस्सा हो गए. डिलाइटेड का मतलब होता है खुश होना, वो खुश नहीं हुए. सैड का मतलब होना उदास होना, वो उदास भी नहीं हुए, वो डिसअपॉइंट भी नहीं हुए, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और गुस्से में उसकी पिटाई भी कर दी थी उन्होंने. पार्ट ई है आपका, आफ्टर वॉचिंग मिस्टर मैकडोनल्ड केजिया डिसाइडेड दैट ऑल फादर्स आर डैश, तो जब उसने मिस्टर मैकडोनल्ड को देखा केजिया ने, उसने क्या डिसाइड किया कि सारे फादर्स कैसे होते हैं. ऑप्शन वन, स्ट्रिक्ट होते हैं, नहीं, इनडिफरेंट होते हैं, मतलब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता. थर्ड, डिफरेंट होते हैं. फोर्थ है शॉर्ट टेम्पर्ड, कि सभी फादर्स को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, ऐसा नहीं है. उसे ये रियलाइज हुआ कि सब फादर्स एक जैसे नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं. तो पार्ट थ्री जो है वो करेक्ट है आपका. ऑप्शन एफ है आपका, बट लेटर ऑन केजिया रियलाइज दैट हर फादर इज डैश, तो लेटर ऑन जो है केजिया को रियलाइज हो गया कि उसके फादर कैसे हैं. ऑप्शन ए है लविंग, टू है केयरिंग, थ्री है अफेक्शनेट, ऑल ऑफ दीज, तो उसे रियलाइज हुआ कि उसके फादर जो है ऑल ऑफ दीज हैं, उसका ध्यान भी रखते हैं, अफेक्शनेट भी हैं, केयरिंग भी हैं. फिर आपका जी पार्ट है, our parents or well wishers may not show their affection to us openly but they want to see us dash, तो हमारे parents जो हैं और हमारे जो शुभचिंतक हैं, हमारे well wishers जो हैं, जो हमारा ध्यान रखते हैं, वो जरूरी नहीं कि हम हमेशा हमारे लिए affection, हमारे लिए प्यार जो है वो express करें, खुलकर express करें, लेकिन ये जरूर है, ये पक्का है कि वो हमें कैसा देखने चाहते हैं. ऑप्शन वन, हमें हैप्पी, खुश देखना चाहते हैं. ऑप्शन टू, हमें सेटल देखना चाहते हैं कि हम हमारा अच्छे से फ्यूचर अच्छे से सेटल हो जाए, कोई दिक्कत ना हो आगे. थ्री, सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, जरूर हमें अच्छे से सक्सेसफुल होते देखना चाहते हैं. ऑप्शन फोर है ऑल ऑफ दीज, सो डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स जो हैं और वेलविशर्स जो हैं वो हमें ये सब ही देखना चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल भी हों, सेटल भी हों और खुश भी हों. फिर एच पार्ट, लास्ट पार्ट है आपका, विच वर्ड इन द पैसेज इज एन एंटोनिम ऑफ डे ड्रीम, तो डे ड्रीम का मतलब होता है दिन में सपने देखना, तो उसका एंटोनिम मतलब ऑपोजिट क्या है. तो फर्स्ट है स्टैमर्ड, मैं बता चुकी हूँ, स्टैमर्ड का मतलब होता है हकलाना, अटक अटक के बोलना. सेकेंड है बिटरली, मतलब कि बहुत बुरी तरह से. थर्ड है नाइटमेयर, रात को आने वाले डरावने सपने. और फोर्थ है हॉन्टेड, मतलब उसे परेशान करते थे. तो डे ड्रीम का ऑपोजिट है नाइटमेयर, कि रात को आने वाले जो है बुरे सपने.
तो आज की वर्कशीट में आपका इतना ही था। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आ गई होगी ये वर्कशीट आपको। इस वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक